यह है मध्य भारत की वैष्णो देवी यात्रा, जिसे कि मैहर माता या शारदा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि 51 सिद्ध शक्तिपीठ में से एक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वैरागी फिर से लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया में। चित्रकूट से मैहर की ओर जाते हुए हमें गुप्त गोदावरी के साइन बोर्ड दिखे, जिसे फॉलो करते हुए हम पहुंच चुके गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए। वहां पहुंचते ही हमने सर्वप्रथम 20 रुपए प्रति व्यक्ति की एंट्री टिकट ली गुप्त गोदावरी गुफा के दर्शन करने के लिए। मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक छोटी सी नदी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। यह गुफा गुप्त गोदावरी कहलाती है। यहाँ के बारे में पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में यहाँ भगवान श्री राम, मासा, सीता और लक्ष्मण के अपने वनवास के शुरुआती दिन बिताए थे। वनवास के दौरान भगवान राम इस गुफा में रुके थे। अगर आपने अभी तक यह पौराणिक और बेहद महत्व जगह नहीं देखी है, तो इस बार यहाँ घूमने जरूर आइएगा। गुप्त गोदावरी गुफा के भीतर की चट्टानों में से 12 मासी धारा निकलती है। यह धारा गोदावरी नदी की और एक अन्य चट्टान में बहती हुई गायब हो जाती है। यहाँ पर दो गुफाएं हैं। पहली गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही संकरा है, ऐसे है यहाँ सैलानी मुश्किल से घुस पाते हैं। गुफा के आखिर में एक छोटा सा गुप्त तालाब है, जिसे गोदावरी नदी कहते हैं। दूसरी गुफा लंबी और पतली है। यहाँ भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान रुके थे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है गुप्त गोदावरी का द्वार, जिसके अंदर से अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो हम चल रहे हैं मैहर की तरफ, जल्दी जल्दी फटाफट नीचे चल रहे हैं और आपको लेके चलता हूँ मैहर के दर्शन कराने, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। इसके बाद हम निकल पड़े मैहर शहर की ओर। मैहर शहर अच्छी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के साथ जुड़ा हुआ है। आप आसानी से निकटतम प्रमुख शहरों से मैहर शहर के लिए नियमित बसें पा सकते हैं। माता सती द्वारा अग्निदाह करने के बाद जब भगवान शिव माता के पार्थिव देह को लेकर भयानक क्रोध में तांडव करने लगे, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह के कई टुकड़े कर दिए। माता सती के शरीर के अंग और उनके आभूषण भूमि पर जा गिरे, जहाँ पर वह स्थापित हुए शक्ति पीठ बनकर। ये हो गई हमारी टिकट मैहर रोपवे की। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठ हैं और माँ दुर्गा के भक्त, विद्वत जन और धर्मगुरु भी सामान्य तौर पर शक्ति पीठों की संख्या 51 ही मानते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित सतना जिले के मैहर में माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है, जो इन्हीं शक्ति पीठों में से एक है। मैहर एक प्रस्तावित जिला है, फिलहाल यह सतना का हिस्सा है। मैहर का माता शारदा मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ माता सती के गले का हार गिरा था, इस कारण इस स्थान का नाम माई का हार मैहर पड़ा। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाज़ आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा आज भी पूजा करने आते हैं, अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाज़ा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। मैहर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तो पूजा की हुई ही मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर माता मंदिर शारदा का अकेला मंदिर है। मैहर
मैहर में माता शारदा के वर्तमान मंदिर की स्थापना सन 502 में हुई थी। मैहर के इस पवित्र मंदिर में जगत माता शारदाम्बिका की उपासना की जाती है। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विराजित माता शारदाम्बिका श्रृंगेरी की पूज्य देवी का ही रूप मानी जाती है। साथ ही श्रृंगेरी मठ की पूजा पद्धति के अनुसार ही यहाँ भी तीन प्रहर की पूजा होती है। वापसी की ओर चल रहे हैं, देखिए फिर से वही लाइन है। स्थानीय विद्वानों और मंदिर से जुड़े लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य ने मैहर में सबसे पहले माता शारदा की विशेष पूजा की थी। तो इस प्रकार सफल दर्शन कर हम वापसी की ओर निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप यह यात्रा करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।